दूसरी जानिब पंजाब बार काउंसिल ने पीआईसी केस में गिरफ्तार वकला पर दहशतगर्दी का इल्जाम खत्म न करने पर कल सुबह भर की अदालतों के लॉकडाउन की कॉल दे दी है। पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन शाहनवाज इस्माइल गुजर की जेर सदारत हंगामी इजलास में इस अमर पर दुख का इजहार किया गया कि 48 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी बेगुनाह वकला को ना तो रिहा किया गया और ना ही मुकदमात से दहशतगर्दी की दफात को खत्म किया गया। पंजाब बार काउंसिल ने इसका सख्त नोटिस लेते हुए 23 दिसंबर को सूबे भर की अदालतों के लॉकडाउन की कॉल दे दी है और मुतालिका बार के अहदेदारों को हिदायत की है कि वो अदालतों के लॉकडाउन को यकीनी बनाएं, बार में एहतजाज और अलामती धरने भी दिए जाएं। पंजाब बार काउंसिल ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार और सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की वकालत के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। पंजाब बार काउंसिल का कहना है कि उस्मान बुजदार और राजा बशारत ने ओहदा संभालने से कबल आगाह नहीं किया। इस जमीन में पंजाब बार काउंसिल ने 4 जनवरी को उस्मान बुजदार और राजा बशारत को तलब कर लिया।